हमें जल्दी करना होगा। हो मेरी जान, एक दिन हम साथ होंगे। हो तुम हार के थकी नहीं हो कैरी? दोस्तों अब बस भी करो, ये कैसा शोर है। कैरी फिर मुसीबत में है। अरे कैरी चलो मुझे मदद करने दो। शुक्रिया लॉरी। ओ कितना गंदा है। नियम नंबर एक, अपने हाथ जितना हो सके धोएं। जरूर बेस्टी, इसके बजाय गले मिलते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कैरी, हमें बहुत काम करना है। तुम बहुत भयानक लग रही हो। आह, क्या तुमने अपने दांत भी देखे हैं? ये किसी डेंटिस्ट को भी डरा देंगे। बस हम तुम्हें सुंदर बनाने जा रहे हैं। क्या मैं कभी सुंदर कैसे हो सकती हूँ? तुम देखना, अब अपना छोटा बॉक्स खोलो। वाह इतना सारा सामान। सबसे पहले हमें तुम्हारे दांतों की देखभाल करनी होगी। ये अच्छी बात है कि हमें उसके लिए गैजेट मिल गया है। कोई परवर नहीं। पकड़ो, क्या ये हो गया? चलो इसे बाहर निकालो। पॉली व्हाइट, अच्छा लग रहा है। अब एक आखिरी डिटेल जोड़ते हैं। बहुत स्टाइलिश है। लॉरी अपनी ब्यूटी के बारे में एक या दो बातें जानती है। हाय, मैं लॉरी हूँ। मेरे साथ में बैठी इस हॉटी को देखिए। अब हमें इन पिंपल्स का ख्याल रखना है। क्या हुआ कैरी? एओ, घटिया लग रहा है। चिंता मत करो, मुझे पता है कि पिंपल्स को कैसे ठीक करना है। मैं आपको दिखाऊंगी। कैरी कैरी तुम कर लोगी। बुप्स, मेरी गलती है, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। परेशान मत हो, लेकिन हम यहाँ नहीं रुक सकते। हमें इन पिंपल्स को हराना है और मेरे पास इसको हराने के लिए कुछ है। इन भयानक पिंपल्स को अलविदा कहने का समय आ गया है। चिंता मत करो, ये बिल्कुल भी चोट नहीं पहुँचाएगा। अगर आप बेचैन महसूस कर रहे हैं तो इसके बजाय नकली पिंपल्स को पॉप कर लो। ये बहुत मुश्किल है लेकिन हमने कर लिया। अब कैरी की स्किन साफ सुथरी है। वाह, विश्वास नहीं हो रहा। एक सेकंड बेस्टी। हेलो, मैं तुम्हें सुन नहीं सकती। थोड़ा जोर से प्लीज। उसके कानों की भी देखभाल करने का समय आ गया है। मेरे छोटे बॉक्स में हर तरह का सामान है, जैसे वैक्स। सबसे पहले मुझे इसे पिघलाना है। अब हीटर चालू करती हूँ। हो गया, अब दिलचस्प हिस्सा। चलिए इन बालों से छुटकारा पाए। ठीक है कैरी, हिलो मत, बस मुझ पर विश्वास करो। 3 2 1, अब तुम चीजों को फिर से सुन सकोगी कैरी। ये बहुत डरावना था। बधाई हो कैरी, अब तुम प्यारी इयररिंग्स पहन सकती हो। वाह बहुत सुंदर है, मुझे ये पसंद है। लॉरी तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मैं ये गाना तुम्हें डेडिकेट करती हूँ। ओ कैरी तुम बहुत कूल हो। रुको, वो क्या है? तुम्हें डैंड्रफ हो गया है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। माइक को छोड़ो, चलो तुम्हारे बालों की देखभाल करें। और पिगटेल नहीं, सबसे पहले एक स्कैल्प एक्सफोलिएशन। चलो तुम्हारा सिर अच्छे से साफ करें। ये फोम कितनी सॉफ्ट है। अब तुम नहाने जाओ, हमने कर दिखाया बेस्टी। देखो मेरे बाल कितने ग्लॉसी लग रहे हैं। ओह हाँ कैरी, हाय बाय। लेकिन अभी तक हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं। मेरा मैजिक ब्यूटी बॉक्स कहाँ है? आहा, ये वही है जो हमें चाहिए। ओह चलो, हमें सभी एक्स्ट्रा बालों से छुटकारा पाना है। एक आईपीएल एपिलेटर यहाँ काम आने वाला है। अरे ये तो काम कर गया। क्या तुम कभी मुझ पर शक करना बंद करोगी? ये अंगूठियाँ तुम्हारे लिए हैं और यहाँ कुछ और सामान है। तुम्हें पसंद आई? हाँ बेस्टी, ये कितनी शाइनी है। लॉरी की आईब्रो एकदम सही है। वो क्या है बेस्टी? क्या हम खुद को मूछें देने जा रहे हैं? नहीं कैरी, ये आईब्रो स्टेंसिल है। अब चलो मुझे अपनी आईब्रो दिखाओ। तुम ऐसे इतने लंबे समय तक कैसे जी रही थी?
What? ये मजाक की बात नहीं है लॉरी, तुम सही कह रही हो, हम इसे अभी ठीक कर देते हैं। यहाँ बहुत कुछ चल रहा है, हम इन सारे कीड़ों को बाहर निकाल देंगे। क्या तुम इसे देख रही हो? मुझे माफ करना बेस्टी, हालांकि मुझे वो पसंद आया है जो तुमने किया। अब अगले स्टेप के लिए, इससे हमारी आईब्रो और भी बेहतर होंगी। बस एक दो ब्रश स्ट्रोक और हो गया, बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब तुम्हारे लिप्स पर काम करते हैं। मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं सुनूंगी। इसे देखो, हम तुम्हारे लिप्स के लिए भी एक स्टेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत आसान है। वाह, ये बहुत सही लग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया पर राज कर सकती हूँ। चलो देखते हैं, क्या हम कुछ भूल गए हैं? अब और पिंपल्स नहीं, तुम्हारे आईब्रोज एकदम सही लग रहे हैं। हाँ, तुम्हारे बाल, तुम्हें एक नए स्टाइल की जरूरत है। लेकिन पहले इसे डाई करते हैं, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। हमें जो चाहिए इस बॉक्स में सब कुछ है, बस थोड़ा और कैरी। ब्यूटी कुर्बानी मांगती है, पहले इस अजीब टोपी से छुटकारा पा लेना चाहिए। वाह, कैरी ब्लॉन्ड हो गई। अब एक नए हेयर स्टाइल का टाइम है, ये ट्रस्टी गैजेट हमारी इसमें मदद करेगा। वाह, मुझे ये बहुत पसंद आया है। अब मेकअप का ख्याल रखने का टाइम आ गया है। अब क्या है लॉरी, अब ड्रेसिंग रूम में जाओ। मैं यहाँ क्या करूँ? ओह, मिल गया, मैं बदल लेती हूँ, बस एक सेकेंड। अच्छा, मैं कैसी दिख रही हूँ? तुम परफेक्ट लग रही हो कैरी, थोड़ा फोटोशूट का समय हो गया है। स्माइल करो हॉटी, तुम बहुत कमाल की लग रही हो कैरी। अब वापस स्कूल जाने के बारे में क्या ख्याल है? मेरे पीछे आओ। क्या ये सच में पढ़ाकू कैरी है? देखो वो रही वो। कैरी, बस मुझे एक तस्वीर लेने दो, मुझे अजीब सा लग रहा है। रुको, तुम मुझे इसके लिए पैसे भी दोगे? सुंदर बनने में ज्यादा कुछ नहीं लगता, बस एक अच्छा दोस्त और कुछ हैंडी गैजेट की जरूरत है। दिन की वही साधारण शुरुआत हो गई है। इसे वापस दे दो एडम, मैं प्रिंसिपल को बता दूंगी। ठीक है, ये लो लूजर। चश्मा अपनी जगह पर है, मुझे इन्हें साफ करना होगा। घंटी बज गई, क्लास शुरू होने वाली है और आगे एक और चैलेंज इंतजार कर रहा है, एक खाली सीट ढूंढना। मैं यहाँ बैठने वाली हूँ, इसके बारे में सोचना भी मत। लूजर की सीट वहाँ है। सही कहा, मार्टिन के साथ पीछे वाले डेस्क पर हमेशा जगह होती है। वाओ, वो वहाँ है, वो कितना हैंडसम है। इसका कोई फायदा नहीं, वो लिजी को कभी नहीं देखने वाला। दूसरी तरफ लॉरी एक भी मौका नहीं छोड़ने वाली। हाय, तुम्हारा वीकेंड कैसा रहा? ओह नहीं, उसके बालों में च्युइंगम भी चिपक गई है। ये बात तो ग्रेजुएट होने तक भी कोई नहीं भूलेगा। लिजी, तुम अपनी जैसी नहीं दिख रही, अब बेहतर है। गुड बाय मेरी जान, हमारा साथ रहना लिखा ही नहीं था। लेकिन लिजी का सबसे बड़ा सीक्रेट खुलने वाला है। इसे देखो दोस्त, ये तुम हो, ये तो बहुत मजेदार है। वो तुमसे प्यार करती है, क्या तुम उससे प्यार करते हो? वो फिर से शुरू हो गए, वो अभी भी लिजी का मजाक क्यों उड़ा रही है? अप्रैल इसके बारे में सब कुछ जान कर रहेगी। हे, चलो रोना बंद करो। ठीक है, क्या हुआ लिजी? ये इतनी बुरी बात भी नहीं है। हाँ जरूर, ये च्युइंगम और ये साइन। घबराओ मत, मेरे पास एक आइडिया है। लिजी को बस एक कमाल के मेकओवर की जरूरत है। ये कोई आसान काम नहीं है, इसमें बहुत काम करना होगा। हम कुकुम्बर से उसके पिंपल्स को ठीक करेंगे। ग्रैंडमा के नुस्खे कभी बेकार नहीं होते और हमें पैचेस की जरूरत है। बुरा नहीं है, सब सही लग रहा है लिजी। तो चलो जारी रखते हैं, बालों पर भी थोड़ा काम किया जा सकता है। क्या इन्हें कभी ब्रश किया गया है? दर्द हो रहा है अप्रैल, सुंदर बनने के लिए दर्द सहना पड़ता है। उप्स, ये गलती से हुआ। परेशान मत हो लिजी, तुम शानदार लग रही हो। और अब सबसे मजेदार पार्ट, मेकअप। ओह नहीं, ये काफी नहीं है, हमें और फाउंडेशन चाहिए। क्या तुम तैयार हो लिजी? मुझ पर भरोसा करो, तुम बहुत सुंदर दिखोगी। हमने कर दिखाया, ये ब्यूटी मैजिक है।
लेकिन सुंदर बनना थका देने वाला काम है। हमें एक ब्रेक लेनी होगी। लिसी, तुम्हारे पैर। उनके बारे में क्या? उन पर बहुत सारे बाल हैं। हमें वैक्स करनी होगी। नहीं, हमें इसकी जरूरत है। क्या तुम्हें यकीन है एप्रिल? शर्त लगा लो बेस्टी। वो किस बात से इतना डर गई? ये तो सिर्फ एक मजाक है। एक अच्छा पुराना रेजर हमेशा काम आता है। बस कुछ ही मिनट और पैर बिल्कुल नए जैसे हो गए। अब लिजी अपने प्रिंस को खुश करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। अप्रैल बहुत अच्छा करेगी। देखो और सीखो लिजी। बेहतर होगा कि तुम ये सब लिख लो। ओह, मुझे माफ कर दो। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जरूर, तुमने मुझे बचा लिया। ये तो मेरा फर्ज था, इसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। वैसे तुम आज रात क्या कर रही हो? हो गया, एडम पकड़ा गया। वाह, तुम तो कलाकार हो, लेकिन शो अभी बाकी है। ओह, मुझे गर्मी लग रही है। मैंने तुम्हें पकड़ लिया प्रिंसेस, तुमने मुझे बचा लिया। वो ये सब कैसे करती है? एक असली टैलेंट। मुझे जाना होगा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। एडम की किस्मत अच्छी नहीं रही, उसे आज किस नहीं मिली। क्या तुमने सब कुछ लिख लिया? तो अब तुम्हारी बारी बेस्टी। और ऑपरेशन लड़के को फंसाओ अब शुरू होता है। रुको, तुम क्या चाहती हो? देखो, मैंने अपनी नोटबुक गिरा दी। ठीक है, तुम खड़े किस लिए हो? देखो, मैंने सब कुछ गिरा दिया। मैं देख रहा हूँ, ऐसा होता है। तुम्हें समझाना बेकार है, लेकिन लिजी के पास एक शानदार तरीका है। बेहोश होना। मैं बीमार महसूस कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों पर प्यार के मंत्र काम नहीं करते। ये पूरी तरह से नाकामयाब रहा। क्या तुम ठीक हो बेस्टी? वो जरूर मुझे फोन करेगा, परेशान मत हो। हाँ जरूर। लिजी, तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। रुको, मुझे अपनी टेक्स्ट बुक्स लेनी होगी, लेकिन यहाँ थोड़ी गंदगी है। क्या बदबू है? यहाँ से पढ़ाकों वाली बदबू आ रही है। चलो इसे बंद कर देते हैं। लिजी, लॉकर इस तरह दिखना चाहिए। कम किताबें, ज्यादा ब्यूटी। हमें सफाई करनी होगी। इस कबाड़ को बाहर निकालो, जल्द ही तुम अपने लॉकर को पहचान नहीं पाओगी। हे भगवान, क्या वो एक मकड़ी है? ये भयानक है। लिजी, ये किस लिए है? क्या पता कि कब आपको दुनिया पर राज करना हो। और लगता है कि इसमें बहुत कुछ बड़ा है। चलो भी, मुझसे दूर हो जाओ। ये कुछ ज्यादा हो गया, मुझे माफ कर दो अप्रैल। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा। अपने पुराने लॉकर को बाय कह दो बेस्टी। ये काम कर गया। चलो देखते हैं कि अंदर सब कैसा है। ये देखो लिजी, क्या तुम्हें ये पसंद आया? हाँ बिल्कुल अप्रैल। एक असली हॉटी को एक खास डाइट पर होना चाहिए, और ये केक खाने से नहीं होगा। इसे अभी नीचे रखो लिजी, वहीं रुक जाओ। आज लंच में ताजा सैलेड है, ये बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। मुझे कुछ मीठा चाहिए। नहीं, केक में बहुत सारी कैलोरीज होती है, लेकिन लिजी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। लिजी, क्या तुम्हें एक ट्रीट चाहिए? गलत, आज मेन्यू में सैलेड है। और एक और बाइट। लेकिन लिजी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, उसे वो केक खाना है। देखो, टॉम हॉलैंड, स्वादिष्ट। ये लेटस से काफी बेहतर है। ओह, तो ये बात है लिजी, तो फिर जिम चलो जल्दी। तुम्हें ये फालतू कैलोरीज एक्सरसाइज करके निकालनी होंगी, और जिम में नींद की कोई जगह नहीं। रेडी, चलो शुरू हो जाओ। भागो बेबी भागो, तुम ये कर सकती हो। मैं ये और नहीं कर सकती। लिजी, क्या तुम ठीक हो? और कोच के दिमाग में पहले से ही एक नया प्लान है। लिजी के लिए स्वीट सबसे अच्छी मोटिवेशन है। अब वो एक चैंपियन बन जाएगी। इसे पकड़ने की कोशिश करो लिजी। चलो अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। लिजी, चलो शुरू हो जाओ। इस तरह, ये बहुत धीरे है, तुम इस तरह मजबूत नहीं बनोगी। हमें और मोटिवेशन की जरूरत है। काम पर लग जाओ लिजी, उसे दिखा दो। लॉरी, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। लिजी कहाँ चली गई? क्या वो फिर से केक खाने के लिए भाग गई? लिजी पंच मारने की प्रैक्टिस कर रही है। लॉरी इस बदले से नहीं बच सकती, फिर से मेरे पास कभी मत आना। थैंक यू अप्रैल, अब मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। पॉपुलर होने के लिए आपको टिकटॉक पर कुछ बड़ा करना होगा। हे दोस्तों, मैं लिजी हूँ। छी, ये भयानक था। ये कंटेंट कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। दो
दोस्त को फिर से मदद की जरूरत है। लिजी रुको, तुम इस तरह पॉपुलर नहीं बनोगी। हमें डांस करना होगा लिजी, सब्सक्राइबर्स को ये बहुत पसंद आएगा। 1000 लाइक्स। अप्रैल, तुम कमाल का डांस करती हो। ये आसान है लिजी, तुम भी ये कर सकती हो। अब तुम्हारी बारी। लिजी उसे निराश नहीं करेगी, उसका अपना डांस स्टाइल है। हर कोई खुशी से बेहोश हो जाएगा। ओह नहीं, वो डर के मारे बेहोश हो जाएंगे। लिजी रुक जाओ, डांस के बारे में भूल जाओ। हम क्या करें? हाँ, हमें थोड़ी अदला बदली करनी होगी। स्टेज पर शानदार लिजी है, सफलता की गारंटी है। ऐसा नहीं हो सकता, कितने सारे लाइक्स हैं। लिजी देखो, तुम पॉपुलर हो गई। वो सो रही है। टिकटॉक लिजी के लिए नहीं है। स्कूल में एक बड़ा इवेंट है, एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट, और लिजी को इसमें हिस्सा लेना ही होगा। यही तुम्हारा मौका है बेस्टी। मुझे डर लग रहा है। हमें जरूर करना चाहिए लिजी, लेकिन पहले तुम्हें अपने कपड़े बदलने होंगे। हमें यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। ये जगह बहुत अच्छी है, मुझे ये चाहिए। नहीं, ये या वो। सब कुछ कितना सुंदर है। उप्स, मुझसे गलती हो गई। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ मिस? मुझे नहीं पता, मुझे माफ करना। हमें सब कुछ पहन कर देखना होगा। लिजी फैशन के लिए तैयार है, बुरा मत मानना। अप्रैल, मैं तैयार हूँ। क्या तुम्हें ये पसंद आया? क्या बकवास है, ये क्या है? घबराओ मत लड़कियों, मुझे पता है कि क्या करना है। ठीक है, हम एक प्रोफेशनल पर भरोसा कर सकते हैं। चलो इन्हें पहन कर देखें। मैं यहाँ हूँ। मैं कैसी दिख रही हूँ? कितना बेकार है बेस्टी, तुम्हें पहचानना नामुमकिन है। और अब स्कूल जाने का वक्त है। उसके जैसी सुंदर लड़की यहाँ क्या कर रही है? अब सपनों का राजकुमार जरूर लॉरी को धोखा दे देगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रुक जाओ लड़को। लेकिन अब शीशे में देखने का बिल्कुल वक्त नहीं है, अब पैजेंट का वक्त है। क्राउन किसे मिलेगा, लॉरी या लिजी को? कितना एक्साइटिंग है, मुझे मेरा क्राउन दो। लेकिन लिजी जीत जाती है। इस साल वो स्कूल की क्वीन है। आपका पैजेंट एक घोटाला है। हे ब्यूटीफुल, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बाहर जाऊँगा। सच में तुम नहीं जाओगे, इसे भूल जाओ। हाँ, अच्छा किया लिजी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं स्कूल की सबसे सुंदर लड़की हूँ।